हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेडमी नोट 10s के डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में। तो आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। तो ये डिस्प्ले लाइट सेक्शन की सप्लाइयां दी हुई हैं, तो आप इनको बारी बारी से आपको चेक करना है कि कोई हमारी सप्लाई ब्रेक या शॉर्ट ना हो। अगर आपका कोई भी सप्लाई मिसिंग या शॉर्ट आएगा तो आपका डिस्प्ले लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो आप इसको आप देख सकते हैं, और इसकी सप्लाई जो कहाँ से जुड़ी है तो आप देख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले लाइट आईसी लगा हुआ है, और इसके हम यहाँ से चेक करेंगे कि कोई सप्लाई हमारा ब्रेक या शॉर्ट ना हो, और शॉर्ट होगा तो हमारा सब डिस्प्ले लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा BPH पावर का सप्लाई है। यहाँ से ये सप्लाई हमारा BPH पावर का बूस्ट कोयल भी लगा है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये हमारा BPH पावर का वोल्टेज किस कितनी तरीके से बन रहा है। तो ये हमारे बगल में ये AC लगी है, वहाँ से आ रहा है डिस्प्ले लाइट सेक्शन के लिए, और बाकी सारी सप्लाइयाँ भी हमारी यहीं पे आ रही हैं। तो आपका कोई भी समस्या डिस्प्ले के रिगार्डिंग होगा तो आपका इसी IC को चेक करना पड़ेगा, बदल भी सकते हैं। और अगर आपका सप्लाई मिसिंग है तो आप उसको जम्पर भी कर सकते हैं। थैंक